Hello students, let's start from where we had left yesterday. We'll start from quality of population. The quality of population depends upon the literacy rate. Health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. The quality of the population ultimately decides the growth rate of the country. Illiterate and unhealthy population are a liability. Literate and healthy population are an asset for the economy. तो जिस प्रकार का population रहेगा, जिस quality की population रहेगी, या वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने healthy होंगे, ये depend करता है उनके skills के ऊपर, उनके health के ऊपर, उनके education के ऊपर, कि वह अपने देश के लिए एक asset है या अपने देश के लिए एक liability है. अपने देश के लिए वह कुछ फ़ायदा कर सकते हैं या अपने देश के लिए वह बोझा बन के रह जाते हैं. एजुकेशन, साकाल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर्स इन टर्म्स ऑफ अ गुड जॉब एंड सैलरी. वी सॉ एजुकेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ साकाल. इट ओपन्ड न्यू होराइजंस फॉर हिम, provided new aspiration and developed values of life. Not only for Sakal, education contributes towards the growth of society also. It enhances the national income, cultural richness and increases the efficiency of governance. There is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. तो यहाँ पर साकाल की एजुकेशन की बात कर रहे हैं. तो साकाल को जो शुरुआती दौर में जो एजुकेशन मिला उसका उसे भरपूर फ़ायदा मिला. किस प्रकार से फ़ायदा मिला? उसे एक अच्छी नौकरी मिली, सैलरी मिला. तो हम क्या देखते हैं कि साकाल का जो ग्रोथ हुआ है वह उसके एजुकेशन की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से उसके लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ खुल गए. वह अपनी ज़िंदगी में डेवलपमेंट लेकर आया. ना केवल साकाल, साकाल के एजुकेशन से केवल साकाल का ही फ़ायदा नहीं होता है, उसके सोसाइटी का भी फ़ायदा हुआ है. कैसा? क्योंकि वो नेशनल इनकम में उसका योगदान रहेगा, उसके जो कल्चर रहेंगे, कल्चर में कुछ ना कुछ वो फ़ायदा, अपने कल्चर को फ़ायदा पहुँचाएगा, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को. इस प्रकार से उसका जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है. तो एजुकेशन में खास करके गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया है अपने देश में. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो है वह लड़कियों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है. देर इज़ ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट. वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू एक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स. तो गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने बहुत जगह नवोदय विद्यालय एस्टेब्लिश किया है. इससे क्या होता है, आसपास के जो गांव के जो लोग हैं, इस विद्यालय में CBSE का एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड का एजुकेशन वो प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर वो अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं. फिर वोकेशनल ट्रेनिंग का भी प्रबंध किया गया है, जहाँ पर हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, 11th 12th के बच्चे, उसके ऊपर जो ज़्यादा पढ़ लिखे उससे आगे पढ़े हुए बच्चे, उनके लिए भी वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जहाँ पर वो अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, जो उनके आगे की ज़िंदगी में बहुत काम आ सकते हैं. द प्लान आउटले on education has increased from ₹151 crore in the first plan to ₹3,766.90 crores in the 11th plan. The expenditure of education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951-52 to 3.0% in 2015-16. अपना भारत देश, हमारा भारत सरकार जो है 5 ईयर प्लान के ऊपर काम करती है.
जैसा इनका जो टर्म होता है इलेक्शन जीतने के बाद जो सरकार जो बनती है 5-5 साल के लिए बनती है, तो ये 5 साल के लिए प्लान्स बनाते हैं। इट स्टार्ट हुआ था 1951 से 1955 जो 5 साल में उन्होंने प्लान किया था। तो यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर इतना जोर नहीं डाला गया था। जो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर और इरिगेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान डाला गया था। तो जो एक्सपेंडिचर जो था एजुकेशन के ऊपर केवल 0.64% का एक्सपेंडिचर था, केवल 0.64% का खर्चा उन्होंने एजुकेशन पे लगाया था। लेकिन 2015 में आते आते ये 3% का खर्चा जो है वो एजुकेशन के ऊपर लगाया है। ह्यूमन बीइंग इज अ पॉजिटिव एसेट एंड अ प्रेशियस नेशनल रिसोर्स विच नीड्स टू बी चेरिस्ड, नर्चर्ड एंड डेवलप्ड विथ टेंडरनेस एंड केयर। कपल्ड विथ डायनेमिज्म, ईच इंडिविजुअल्स ग्रोथ प्रेजेंट्स अ डिफरेंट रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स। द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एजुकेशन इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक ग्रोथ प्रोसेस नीड्स टू बी प्लान्ड मेटिकुलसली एंड एग्जीक्यूटेड विद ग्रेट सेंसिटिविटी। लेट्स डिस्कस। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हैज़ द लिटरेसी रेट्स ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड सिंस 1951? तो यस, इट हैज़ इंक्रीज्ड। दिख रहा है हमें, पर्सन्स ब्लू में दिया है, मेल रेड में दिया और ग्रीन में फीमेल्स दिया है। इन विच ईयर इंडिया हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट? 2011 का सबसे हाई दिख रहा है ना, ग्राफ्स के हिसाब से देखे तो बार ग्राफ में। वाई लिटरेसी रेट इज़ हाई अमंग द मेल्स ऑफ इंडिया? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन सेक्स सेक्स रेशियो, और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। वाई आर वीमेन लेस एजुकेटेड देन मैन? हाउ वुड यू कैलकुलेट लिटरेसी रेट इन इंडिया? वॉट इज अ प्रोजेक्शन अबाउट इंडियाज लिटरेसी रेट इन 2020? एक्टिविटी। काउंट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन योर स्कूल और इन योर नेबरिंग को एड क्लासेस। आस्क द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोवाइड यू विद द डाटा ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन द क्लासरूम। स्टडी द डिफरेंस इन एनी इफ एनी एंड एक्सप्लेन फॉर रीजन इन द क्लासरूम। तो आप काउंट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन योर स्कूल की जगह हम क्लास भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी स्कूल है उसको हम क्लास कर सकते हैं, और हम क्लास का भी एक्टिविटी निकाल सकते हैं। अगर आपको अंदाज होगा कि अपने क्लास में कितने बच्चे हैं, उसमें से कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, और इनका रेशियो हम निकाल सकते हैं, बॉयज़ टू गर्ल रेशियो हम निकाल सकते हैं। अक्सर क्या होता है, बॉयज़ ज़्यादा होते हैं और गर्ल्स बहुत कम होते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP रोज फ्रॉम 0.64% इन 1951-52 टू 0.30% इन 2015 एंड 16, एंड हैज रिमेन्ड स्टैगनेंट एट अराउंड 3% फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स। द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1951 टू 74% इन 2010 एंड 2011। लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट, इट इज ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन are to perform their duties and enjoy their rights properly. However, a vast difference is noticed across different section of population. Literacy among males is nearly 16.6% higher than females, and it is about 16.1% higher in urban areas as compared to the rural areas. In 2011, literacy rates vary from 94% in Kerala to 64% in Bihar. The primary school system has expanded to over 7.68 lakhs in 2004 and 5. Unfortunately, this huge expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. Sarva Shiksha Abhiyan is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010. It is a time-bound initiative of the central government. In partnership with the states,
the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. Along with it, bridge courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. Midday meal scheme has been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status. These policies could add to the literate population of India. तो हम इस पैराग्राफ में क्या समझते हैं? हमें समझ में आता है कि देखो जो जीडीपी जो था, जो एक्सपेंडिचर था जिस एजुकेशन के ऊपर 1951-52 में केवल 0.64% था, और फिर ये बढ़कर 3% तक आ गया 2015-2016 में. लेकिन 2015 और 2016 के बाद में ये ज़्यादा बढ़ा नहीं, इनफैक्ट वह 3% पे ही कई सालों तक का वहीं पर स्टैग्नेंट रहा. लेकिन लिटरेसी रेट जो था 1951 में केवल 18% था. 1951 से लेकर 51 तक का केवल 18% लिटरेट लोग थे, लेकिन 2010 और 2011 में ये 74% हो गया, यानी 74% हो गया. लेकिन लिटरेसी केवल एक अधिकार ही नहीं है, ये अगर आप सिटीज़न को चाहते हैं कि वो अपना ड्यूटीज़ ठीक से परफॉर्म करें और अपने राइट्स को प्रॉपरली एंजॉय करें, तो उसको सुशिक्षित करना, उसको एजुकेट करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है. लेकिन अगर हम देखते हैं कि लिटरेसी रेट में जो पॉपुलेशन अगर हम कंपेयर करते हैं, तो इसमें हर किसी को एक जैसा एजुकेशन नहीं मिलता है. गर्ल्स चाहे शहर में हो, चाहे गांव में हो, तो गर्ल्स का जो लिटरेसी रेट है वो बॉयज़ से अक्सर कम होता है. तो लिटरेसी रेट अमंग द मेल्स इज नियरली अराउंड 16.6% हायर. तो मेल्स में जो लिटरेसी रेट है वो 16% ज़्यादा है, 16.6% ज़्यादा है फीमेल से, खास करके शहरों में, और खास करके गांव में. और शहरों में तो है ये 16.1% हायर है रूरल एरिया से. तो अगर हम कंपेयर करते हैं लिटरेसी रेट जो केरला का देखते हैं, केरला में अधिकतम लोग एजुकेटेड है, यानी लगभग 94% जो लोग हैं वो लिटरेट है. लेकिन बिहार में ये केवल 62% पर ही लिटरेसी आकर रुक जाती है. तो प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो है वो एक्सपैंड हुआ है ज़रूर, 7.68 लाख, 2004-2005 में ये 7.68 लाख लोगों में ये एजुकेशन इम्प्रूव हुआ है. लेकिन जो स्कूल, इतने सारे स्कूल बढ़ गए, प्राइमरी स्कूल 7.68 लाख स्कूल्स जो बढ़े हैं, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया. यहाँ पर इतना अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलता है जितना पहले कभी मिला करता था. फिर सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है सर्व शिक्षा अभियान, ये एक बहुत अच्छा पहल किया है, बहुत अच्छी कदम लिया है एजुकेशन की तरफ. कम से कम प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन लोगों को जो वो मिल जाता है 6 साल से 14 साल के बच्चों को, ये 2010 में इसको इनिशिएट किया था. तो इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो है टाइम बाउंड इनिशिएटिव है कि इतने साल में इतने इतने एजुकेशन हो जाना चाहिए, इतने लोग एजुकेटेड हो जाना चाहिए. तो गांव के लोगों को एजुकेशन में एनरोल करना, स्कूल में एनरोल करना, इसके लिए कुछ ना कुछ उनको लालच देना ज़रूरी था. तो मिड डे मील, दोपहर का खाना फ्री में बच्चों को प्रोवाइड किया गया, कि ताकि बच्चे कम से कम उन्हें भोजन मिलता है, गर्मा गर्म खाना मिलता है स्कूल में, तो वो इस आस में, इस उम्मीद में वो स्कूल आते हैं. द 12th प्लान एंडेवर्ड टू राइज द कंट्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER इन हायर एजुकेशन ऑफ द 18-23 ईयर्स एज ग्रुप टू 25.2% बाई 2017-18 and to reach target of 30% by 2020-21, which would be broadly in the line with world average. The strategy focuses on increasing access, quality, adoption of states specific curriculum, modification, vocationalization and networking on the use of information technology. The plan also focuses on distant education, convergence of formal, non-formal, distant and IT education institutions,
Over the past 50 years, there has been a significant growth in the number of university and institution of higher learning in specialized areas. Let us read the table to see the increase in number of college universities enrollment of students and recruitment of teachers since 1951 to 2014 and 15. जो 12th 5-year plan में जो GDP जो है GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ये हायर एजुकेशन के ऊपर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया गया, खास करके 18 से 23 आयु के एज ग्रुप में तो 25% के आसपास जो GER जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इस 2017 और 2018 में ये दिखाया गया है और टारगेट क्या है 2021 तक का ये 30% तक का हो जाए कि अगर किसी भी देश का पॉपुलेशन 30% हायर एजुकेशन में एनरोल करता है इसका ये मतलब है वो काफ़ी एडवांस्ड देश है। तो अगर हम 30% ग्रॉस एनरोलमेंट करवा लें तो हम दुनिया के किसी भी एडवांस्ड कंट्री के बराबरी पर आ जाएंगे। लेट्स डिस्कस ओके टेबल 2.1 नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन एनरोलमेंट एंड फैकल्टी। तो ये हमें जो 2051 से 2014 तक का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है 1951 से लेकर 2015 तक का जो इम्प्रूवमेंट हुआ इसके बारे में हमें इस टेबल से जानकारी मिल सकती है। ईयर 1950-51 में नंबर ऑफ कॉलेजेस केवल 750 कॉलेजेस थे और केवल 30 यूनिवर्सिटीज थी और 263,000 स्टूडेंट्स थे और केवल 24,000 टीचर्स थे। और यही 2014-15 में हम क्या देखते हैं नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हो गए 40,760 कॉलेजेस हो गए और 1,261,350 टीचर्स हो गए। स्टूडेंट्स की संख्या तो और भी ज़्यादा बढ़ गई है 2,65,85,437 स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में एनरोल हुए। तो कहाँ देखो कहाँ से 2 लाख से 2 करोड़ के ऊपर भी पहुँच गए हैं। तो दिस शोज द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन इन द इंडियन कंट्री इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो लेट्स डिस्कस दिस टेबल इन द क्लासरूम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलेजेस एडिक्वेट टू एडमिट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या कॉलेज सफिशिएंट है जितने स्टूडेंट्स हैं? देखो स्टूडेंट्स हैं 2,65,85,000 और कॉलेजेस केवल 40,000 कॉलेजेस हैं 40,760 कॉलेजेस हैं। तो एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन कॉलेजेस बहुत कम पड़ जाते हैं, है ना। डू यू थिंक वी शुड हैव मोर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़? What is the increase noticed among the teachers in the year 1998-99 में teachers के देखो कितना increase हुआ है 1991 में 2,72,000 थे और 1999 में 3,42,000 थे लेकिन 2010 और 11 में इसका कितना increment आया 8 लाख से ऊपर हो गए हैं। तो काफ़ी increment आया teachers में। What is the increase noticed among the teachers in the year 98-99? What is your idea about future colleges and university? ये आप विस्तार से इसको आंसर कर सकते हैं। तो ये हुआ एजुकेशन के बारे में। जितना आप पॉपुलेशन को एजुकेट करोगे उतना ही देश का फायदा होगा उसमें। चलिए अब हम हेल्थ के ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्म मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट। Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as a healthy worker because of ill health? The health of a person helps him to realize his potential and the ability to fight illness. An unhealthy person becomes a liability for an organization indeed. Health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. तो हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट होता है
एक देश के फायदे के लिए, एक देश के ग्रोथ के लिए। तो अगर किसी भी कोई भी एम्प्लॉयर किसी को एम्प्लॉय करता है और जिसे उसने एम्प्लॉयमेंट दिया, अगर वो बार बार छुट्टी मारता है, बार बार बीमार पड़ता है, तो उसके फर्म के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं होता है। तो हेल्थ जो होता है, वो अगर हेल्दी वर्कर है तो इंडस्ट्री भी अच्छी रहेंगी और फ़ायदा भी दोनों को होगा। तो इसलिए जो गवर्नमेंट जो है अभी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगी है। आर नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स इंडिया हैज़ बिल्ट अप अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज़ डेवलप्ड मैनी पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर्स। तो अपने देश का जो पॉलिसी है वह भी अभी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहा है, किस प्रकार से हेल्थ पॉलिसीज ये अवेल कर सकते हैं, या जो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट है जो पॉपुलेशन का, वो किस प्रकार से अलग अलग फैमिली वेलफेयर स्कीम, अलग अलग न्यूट्रिशनल सर्विसेज और स्पेशल फोकस वो हेल्थ के ऊपर करे। हाँ, तो जो पिछले जो 5 साल है, 5 डिकेड्स है, 50 साल है इंडिया के, ये इंडिया हैज़ बिल्ट अप अ वास्ट हेल्थी इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स और अलग अलग जो फैसिलिटीज़ है, हेल्थ प्रोवाइड करने वाली सर्विसेज है, वो पिछले 5 सालों में हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है, खास करके प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया, ना केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी हेल्थ को लेकर काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ता है। दीज मेजर्स अडॉप्टेड हैव इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 67.5 ईयर्स इन 2013। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट IMR हैज कम डाउन फ्रॉम 147 इन 1951 टू 40 इन 1913। ये IMR क्या होता है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी यानी बच्चों की मौत, जो बच्चे पैदा होते हैं जरूर लेकिन वो 1 साल नहीं देख पाते, वो अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते थे, इनको कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी। तो पहले जो है वो 2013 में हमने इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है, जो 1951 में जो था वो लगभग 147 चिल्ड्रन पर 1000 बच्चे जो है वो अपना पहला बर्थडे नहीं मना पाते थे, लेकिन 2013 में ये केवल 40 ऐसे बच्चे होते हैं जो 1000 में से 40 बच्चे होते हैं जो अपना जन्मदिन नहीं मना पाते हैं। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड टू 21.4 एंड डेथ रेट्स टू 7 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो अगर आपका चाइल्ड रेट जो सर्वाइवल रेशो जो है डेथ से, अगर हम देखते हैं कि जैसा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट अगर कम होता है और डेथ रेट भी कम हो जाता है, तो ये एक अच्छा संकेत है देश के लिए, यानी आपकी जो जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हेल्दी पॉपुलेशन है। रिडक्शन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम इन्फेक्शन, एंश्योरिंग न्यूट्रिशन अलॉन्ग विथ मदर एंड चाइल्ड केयर। तो किस प्रकार से हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस कर सकते हैं, हमें देखना है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इन्फेक्शन ना हो जाए, और शिशु को और उनकी माताओं को उनका अच्छा देखभाल करके उनको चाइल्ड वेलफेयर स्कीम या मदर हेल्थ, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ ऐसे कोई वेलफेयर स्कीम होगा उसका पूरा फायदा दिलाए। फिगर 2.5 में हम क्या देखते हैं, एक हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर डॉक्टर है, नर्स है और कुछ बच्चे हैं, और वहाँ पे नर्स जो है उन बच्चों का वेट मेजर कर रही है, वेइंग मशीन पर उनका वेट मेजर कर रही है। सो लेट्स डिस्कस स्टडी टेबल 2.2। 2.2 टेबल जो दिया है इसको स्टडी कीजिए, 2.2 टेबल जो है वो आपके नेक्स्ट पेज पर है। स्टडी द टेबल 2.2 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्पेंसरीज फ्रॉम 1951 टू 2011? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन डॉक्टर्स एंड नर्सेस पर्सनल फ्रॉम 1951
टू 2011, कई कई बुक्स में 2015 दिया है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है अगर आप केवल एक ही कंपेयर करते हैं। तो टेबल 2.2 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द इयर्स, हेल्थ फॉर एससी, पीएचसी, सीएचसी, ये यहाँ पे दिया है। एससी स्टैंड्स फॉर सब सेंटर, पीएचसी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ANM stands for auxiliary nurse hydrides, RNRM registered nurses and registered midwives, LHV lady health visitors, ये abbreviation से दिए हैं इसमें। तो SC, PHC और CHC 2010 में 173,795 थे और यही 2014 में 182,709 हो गए। तो इस प्रकार से आप टेबल्स को देखकर कंपेयर कर सकते हैं। डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, बेड्स में इम्प्रूवमेंट आए हैं, डॉक्टर्स में इंक्रीमेंट आए हैं, नर्सिंग पर्सनल में काफ़ी बढ़त हुई है। तो ऑल इन ऑल हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है उसमें काफ़ी तब्दीली आई है, काफ़ी चेंजेस आए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आए हुए हैं। Do you think the increase in the number of doctors and nurses is adequate for India? If not, why? वैसा population देखा जाए तो जितने doctors होना चाहिए, जितने nurses होना चाहिए उतने नहीं हैं, क्योंकि India का जो population है बहुत vast population है। What other facilities would you like to provide in a hospital? Discuss about the hospital you have visited. Can you draw a graph using this table? There are many places in India which do not have even these basic facilities. ऐसे बहुत जगह है जो इतने जो बेसिक फैसिलिटी है वह भी वहाँ पर नहीं मिलते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा है ना कि किस प्रकार से जो बहुत सारे गांव के जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो जंगल पार करके पैदल चलकर आ रहे हैं, किसी किसी को नदी नाले में से पैदल पैदल निकलना पड़ रहा है, कभी कभी डिलीवरी बीच रास्ते में हो जाती है, बच्चा को बचा नहीं पाते हैं, काफ़ी समस्या हम देख रहे हैं ग्रामीण सेक्शन में, विलेजेस में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। डिस्कस अबाउट द हॉस्पिटल्स यू हैव विजिटेड, कैन यू ड्रॉ अ ग्राफ यूजिंग द टेबल। देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज बेसिक फैसिलिटीज, ऐसे बहुत सारे जो है इंडिया में ये बेसिक फैसिलिटीज भी वहाँ पर नहीं मिलती है। देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री and 301 dental colleges. Just four states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have maximum number of college. तो केवल चार ऐसे states हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा medical college मिलेंगे, dental colleges मिलेंगे। देखा जाए तो केवल 381 medical colleges है पूरे इंडिया में, केवल 381। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस केवल 381, जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी कम पास होते हैं, कम निकलते हैं, एडमिशन्स कम हो जाते हैं ना, और डेंटल कॉलेजेस तो उससे भी कम है, केवल 301 डेंटल कॉलेजेस है। वैसे भी इंडिया में जब तक अपने दांत में दर्द नहीं होता हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, हमें रूटीन चेकअप्स के लिए ओरल हेल्थ के बारे ओरल हेल्थ और हाइजीन के बारे में हम इंडियंस बहुत पीछे हैं। हम अपने मसूड़ों का, अपने दांतों का ख्याल तभी रखते हैं जब उसमें दर्द आना चालू होता है। तो केवल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु में ही मैक्सिमम आपको मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे। एक्टिविटी, विजिट अ नियर बाय हॉस्पिटल आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट एंड नोट डाउन द फॉलोइंग डिटेल्स। हाउ मेनी बेड्स आर देयर in the hospital you have visited? How many doctors are there in the hospital? How many nurses work in that hospital? Besides, try to gather the following additional information. How many hospitals are there in your locality? How many dispensaries are there in your locality? तो ये एक्टिविटी तो अभी आपने बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। क्या बता सकते कि अभी क्यों नहीं करना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही, कोरोना वायरस है, ये तो आ बैल मुझे मार वाला केस हो जाएगा।
तो ये एक्टिविटी आप जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आप तभी जाके ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वरना ये एक्टिविटी तो ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि हॉस्पिटल जाना मतलब वहाँ से बीमारी लेकर घर वापस आना। तो बेहतर है कि आप इस चैप्टर का ये जो सेक्शन है, एक्टिविटी जो दिया है, ये फिलहाल अभी आप ना करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी हॉस्पिटल जाने का नौबत भी ना आए। आप हेल्दी रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, ये जो लॉकडाउन हो रहा है इसका पालन कीजिए, क्योंकि जो स्पर्ट हो रहा है, जिस प्रकार से ये जो बढ़ रहा है कोरोना वायरस, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी चेन तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप चेन नहीं तोड़ेंगे, जब तक आप संकली नहीं टूटेंगी, तो ये जड़ पकड़ते रहेगा। इसका जड़ उखाड़कर फेंकना है हमें, तो इसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना है, और जो गवर्नमेंट जैसे कहती है हमें वैसा आदेश का पालन करना है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम अगले क्लास में इसकी जानकारी लेंगे, और चैप्टर भी हम अगले क्लास में कंप्लीट कर देंगे।